खुशकिस्मती से उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़ियात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। इस अरसे में ख़ुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफगान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। बेअमनी में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुलव्वस, अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। उबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी बढ़ी, कलदम TTP के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद नहीं होगी। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी फोर्सेस और तंसीबात पर हमलों की इतलात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का अफसोस, न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजी इमदाद मौतल है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी, 7 नवंबर को 5,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे चले गए, 829 खानदानों की वतन वापसी हुई, 2,03,639 गैर कानूनी अफराद अफगानिस्तान जा चुके। धुएं के बादल, जहरीली फजाएं, लाहौर धुंध में गुम, आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त, लाहौर शेखुपुरा ननकाना साहब में जुज़वी लॉकडाउन, कसूर गुजरांवाला हाफिजाबाद और नारोवाल में दफा 144 नाफिज, बेकरीज और फार्मेसी खुली रहेंगी, मोटरवे कई मुकामात पर बंद, सांस के अमराज में इजाफा, वजीर आला मोहसिन नकवी का मास्क पहनने का मशवरा। ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान को हरा दिया, कैंगरूज को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। मुबसरीन के मुताबिक मैक्सवेल शायद वनडे की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग खेल गए। ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी के साथ ही सोशल मीडिया पर कमेंटेटर इरफान पठान की शामत आ गई, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत पर भंगड़े डालने वाले इरफान पठान से फिर डांस की फरमाइश। आलमी बरादरी इसराइल को मनमानी से रोकने में नाकाम, गजा पर फिर बारूद की बारिश, 3 अस्पताल निशाना बने, अलशातई कैंप पर और शुजाइया पर भी धावा, सहूनी तैयारों ने तिब्बी इमदाद लाने वाले रेड क्रॉस के 2 ट्रक तबाह कर दिए, शहादतें 10,328। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस का इसराइली सदर को फोन, जंगबंदी में वक्फे का मुतालबा, इमदाद की तरसील तेज करने पर जोर। गजा पर इंतहाई कड़ा वक्त है, इसराइल की नस्ल कुशी जारी है, 10,000 से ज्यादा शहरों की शहादत हो चुकी, फलस्तीनी सफीर अहमद रबी की बोल से खुसूसी गुफ्तगु, कहा जंगबंदी और कत्ले आम का रोका जाना इंतहाई अहम है। डोनाल्ड ट्रंप का सदारती मुहिम के दौरान तहलका खेज इंकशाफ, बोले चेयरमैन PTI ने कासिम सुलेमानी के मरने पर खुशी का इजहार किया, कहा मेरी जिंदगी का बड़ा वाकया था, चेयरमैन PTI खबर सुनकर घर चले गए और एक हफ्ता तन्हाई में रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 492 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स मुसलसल दूसरे रोज 54,000 से ज्यादा। इंग्लैंड से 11 नवंबर को अहम टाकरा, ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां, आज प्रैक्टिस सेशन शाहीनों की कोलकाता में सैर सपाटे, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ और वसीम की शॉपिंग, भारतीय फैंस की सेल्फियां, बाबर आजम ने गोल्फ खेली। झेलम में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन मुकाबले, पाक फौज ने ट्रॉफी जीत ली, नेवी की दूसरी और फजाइया की तीसरी पोजीशन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फातह और रनर अप खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ में जोश और जज्बे का इम्तिहान, 8वें थर्ड डेजर्ट रैली का कल से आगाज, मुकाबले 12 नवंबर तक जारी रहेंगे, मारूफ रेसर्स 180 किलोमीटर तक गाड़ियां दौड़ाएंगे, खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल, मोटर बाइक का ट्रैक 3 किलोमीटर।
child. पादरी की बेटी त्यौहार के दिन अगवा हो गई। खतरनाक ताकतों से छुड़वाने के लिए पादरी को क्या कुर्बानी देनी होगी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म लॉर्ड ऑफ मिसरूल का ट्रेलर जारी। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। कुदरत का शाहकार चीनी शहर मोहे कलेडोस्कोपिक रोशनियों से रंग गया। खूबसूरत नजारे को पहली बार फिल्माया गया। बेदिली, क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। उर्दू अदब को नई जहत से रोशनास कराने वाले शायर मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।